दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक मोहनलाल नाम का आदमी रहा करता था और वह चोरी करके अपना जिंदगी काटता था। रात को जब सभी गांव वाले सो जाते और चारों तरफ शांति हो जाता, तब मोहनलाल अपने काम को अंजाम देता। एक दिन रात को वह बिरयानी बनाने के लिए बकरी चोरी कर लेके आ गया। इस तरह वह चोरी करने का कोई भी मौका नहीं गवाता था। एक दिन वह किसी का गाड़ी चोरी करके लाया और पत्नी से कहने लगा, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। फिर उसके पत्नी ने पूछा कि यह गाड़ी उसको मिला कहाँ। उसने अपने पत्नी को डांटते हुए कहा, देखो तुम अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा टांग मत लड़ाओ मेरे काम में। फिर वह चोरी किया हुआ गाड़ी और एक पिंजरा लेके जंगल की ओर निकल गया। उस जंगल में कुछ टूटे फूटे पुराने मकान थे। वह अपना गाड़ी ले जाकर वहां पर खड़ा कर दिया और शिकार करने निकल गया। वह जंगल बहुत ही घना था और वहां पर तरह तरह के जानवर रहा करते थे। वहां पर भालू, मगरमच्छ, शेर, चीता, बकरी सभी कुछ मिलते थे। मोहन के आते ही पूरे जंगल में एकदम भगदड़ मच गया। उसको देखकर सारे जानवर भागने लगे। उसने तभी अपने बंदूक से एक चीता को निशाना बनाया। चीता के पास आते ही उसने बेहोश करने वाली गोली चला दी और चीता जमीन पर गिर गया। इसके बाद वह उस चीता को उठाकर लेकर चला गया और बाजार में बेच दिया। इस तरह वह छुप छुप कर बहुत सारे जानवरों का शिकार करता और उनको बेचकर बहुत सारा पैसा बना लेता। एक दिन इसी तरह वह शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकला। तभी अचानक से कहीं से एक शेर का झुंड आ जाता है और मोहनलाल का पीछा करने लगता है। मोहनलाल डरते डरते भागने लगता है और भाग के पिंजरे के अंदर छुप जाता है। तभी चारों शेर उसको चारों ओर से घेर लेते हैं और मोहन को समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। और तभी एक शेर कूद कर उसके पिंजरे के ऊपर चढ़ जाता है। मोहनलाल एकदम घबरा जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब शेर थक जाते हैं और सो जाते हैं, तब मोहनलाल छुप कर निकल जाता है और अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। वह गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते चलाते घर आ जाता है और रात भर सोचने लगता है। वह मन में सोचता है, आज तो मेरा जान बच गया। इस तरह कितने दिन तक मैं इन जानवरों का शिकार करूंगा? किसी दिन मेरी जान चली जाएगी, मुझे कुछ और ही करना चाहिए। फिर उसने जानवरों को डराने के लिए और उनका शिकार करने के लिए एक डायनासोर खिलौना बनाने की सोची। वह डायनासोर खिलौना बनाने के लिए पूरा सामान लेकर आ गया और उस खिलौने को वहाँ पर बनाया। उसके बाद खुशी खुशी कहने लगा, अब मज़ा आएगा शिकार करने में, देखता हूँ मुझसे कौन बचेगा अब। इसके बाद वह उसके अंदर चला जाता है और डायनासोर को अंदर से चलाने लगता है। उसने उस डायनासोर को बहुत ही भयानक बनाया था ताकि उसको देखकर सभी जानवर डर जाएं। उसके बाद उसका इस्तेमाल करके वह शिकार करने लगा। जिस जंगल में मोहनलाल शिकार किया करता था, उसी जंगल के पास एक सुंदरपुर नाम का गांव था और उस गांव से शहर को जोड़ने वाली एक सड़क थी। मोहनलाल जब भी शिकार नहीं मिलता तो सड़क पे निकल आता और कोई भी सड़क पे यदि गुजर रहा होता तो उसको परेशान कर देता। डर की वजह से लोग अपना गाड़ी बहुत तेज चलाने लगते और उनका सामान नीचे गिर जाता। इसी तरह एक दिल्ली से एक दिन बस आ रही थी। मोहनलाल ने डायनासोर के अंदर से उस बस पे हमला कर दिया। तभी उसका ड्राइवर एकदम घबरा जाता है और बस को एकदम कंट्रोल नहीं कर पाता है और बस पलट जाती है। बस के पलटते ही सभी लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगते हैं।
फिर मोहनलाल ने सभी यात्रियों का सामान लूट लिया। इसी तरह उस सुंदरपुर नाम के गांव में एक टिंकू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि उसको खिलौना बाइक चाहिए। उसके पिताजी खिलौना बाइक लेकर आ ही रहे थे कि उस डायनासोर ने उनका भी पीछा कर लिया और वह बाइक नीचे गिर गया। टिंकू के पिताजी ने टिंकू को कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए वह खिलौना बाइक ला ही रहा था कि रास्ते में एक डायनासोर की वजह से वह बाइक नीचे गिर गया। उधर मोहनलाल सारा सामान चोरी करके अपने गाड़ी पे लाद के घर वापस लेके चला गया। इसी तरह एक दिन टिंकू अपने दोस्तों के साथ स्कूल से आ रहा था, तभी फिर वह डायनासोर सड़क के बीच में आ जाता है और दहाड़ने लगता है। उसको देखते ही टिंकू और उसके दोस्त साइकिल को एकदम तेज चलाकर भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर उनका पीछा करने लगता है। तभी टिंकू की फ्रेंड नेहा साइकिल लेके नीचे गिर जाती है और अपना जान बचाने के लिए वह भागने लगती है। टिंकू साइकिल से उतर के एक पेड़ के पास छुप जाता है और अपने बैग से ड्रोन निकाल के नेहा को बचाने की कोशिश करता है। ड्रोन के पास आते ही नेहा उस ड्रोन को पकड़ लेती है और उसका जान बच जाता है। फिर टिंकू उस डायनासोर का पता लगाने के लिए उस ड्रोन से उस डायनासोर का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वह टूटे फूटे मकान के पास पहुंच जाता है। वह वीडियो कैमरा से अपने टीवी में लगा के पुलिस और अपने गांव वालों को दिखाता है। सभी गांव वाले देख के चौंक जाते हैं कि वह तो एक खिलौना डायनासोर है। फिर टिंकू अपने ड्रोन में आग छोड़ने वाला मशीन लगा देता है। जैसे ही वह डायनासोर सड़क के पास आता है, वह ड्रोन से उस पर आग लगा देता है। डायनासोर में आग लगते ही उसके अंदर से मोहनलाल बाहर निकल जाता है। फिर पुलिस वाला उसका खूब धुलाई करता है और उसके बाद उसको पकड़ के जेल में बंद कर देता है। दोस्तों, अगर आप और कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना मत भूलें।